एक जगह पहुंच के सैचुरेट हो जाना कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं इससे आगे अपने आप को सोच अपनी छोटी रखना, इनिशिएटिव की कमी है। इनिशिएटिव बड़ा होगा, नहीं मैं अभी मैंने इतनी सेंचुरी स्कोर की है, इससे ज्यादा काबिल हूं मैं, इससे ज्यादा कर सकता हूं मैं, अगर इस लेवल पे परफॉर्म कर रहा हूं अपनी जेडी के मुताबिक, एवरीबॉडी इज सैटिस्फाइड विद मी, नो यही मेरा टास्क है, मैंने इससे बड़ा टास्क लेना है, चैलेंजिंग बनानी है अपनी लाइफ। हाँ, लोग होते हैं जो इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, दे वॉन्ट टू लिव अ लाइफ दैट हैज चैलेंजेस, उनको बिल्कुल मीडियोकर लाइफ और मोनोटोनस लाइफ पसंद नहीं है जहां पे चैलेंजेस ना हो, जहां पे उनकी जेब जितनी हो उतना ही वो काम करते हो, जितनी चादर हो उतनी फैलानी चाहिए। ये जुमले ठीक हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल आदमी के अंदर जो ग्रेट होती है ना, वो होती है नहीं, जितनी चादर है उतनी फैलानी चाहिए, चादर बड़ी करना भी आनी चाहिए, चादर बड़ी करने का सोचना भी चाहिए। ये इनिशिएटिव, सेट नॉट सेटलिंग फॉर लेस, जितना है उतना करूंगा नहीं, बड़ा सोचूंगा उससे, जितना है उससे बड़ा बनाने का सोचूंगा, ग्रे में खेलना अच्छा लगता होगा, यानी ब्लैक एंड व्हाइट में तो सब खेल लेते हैं, यानी सब चीजें डिफाइंड हो, लाइफ डिफाइंड हो, SOPs डिफाइंड हो, उसके अंदर एक रोबोट की तरह काम करना सब बंदे कर सकते हैं, व्हाट्स डिफरेंट इन मी, मैं क्या हूं। तो आखिर में आपको जो एक कामयाब और एक नाकाम आदमी के बीच में, एक सुपर हीरो और एक नॉर्मल बंदे के बीच में डिफरेंस लगेगा ना, वो रिस्क का लगेगा, इसने उससे बढ़ के रिस्क ले लिया, इसने अपनी रिसोर्स से बढ़ के रिस्क ले लिया, इसने कम टाइम के अंदर कुछ प्रोड्यूस कर दिया, कम रिसोर्स के अंदर कुछ प्रोड्यूस कर दिया, कम टैलेंट्स के साथ प्रोड्यूस कर दिया, जो मैं सब कुछ होने के बाद प्रोड्यूस मैंने भी किया, लेकिन उसके पास एक एज इसलिए है, उसके पास वो चीज कम थी, उसका रिस्क ज्यादा था। तो आखिर में रिस्क जितना लेंगे, जितना ग्रे के अंदर जाएंगे, उतने इनिशिएटिव्स के अंदर मजबूती तो नहीं, वल्नरेबिलिटी आएगी, लेकिन कामयाबी उसी चीज का नाम है कि इंसान रिस्क के साथ आगे लेके चले।